सतना में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को कचरे का ढेर समझ रही है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि सीधी में विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करना बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक है। अमित ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। दलित आदिवासियों को कचरे का ढेर समझा जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। लोकसभा प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि सीधी की मध्य प्रदेश में भाजपा राज में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। सीधी में आदिवासी युवक पर भाजपा नेता और विधायक प्रतिनिधि केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि द्वारा कल शराब के नशे में पेशाब करने का मामला सामने आया है और यह मामला आपत्तिजनक और शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी इस कृत्य का निंदा करती है, विरोध करती है। साथ ही आम आदमी पार्टी शिवराज सिंह जी से पूछना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मध्य प्रदेश में बात बात पर आप लोगों द्वारा अपराधियों के ऊपर बुलडोजर के माध्यम से घर गिराया जा रहा था, क्या आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? यह आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है, कब गिराया जाएगा उसका मकान या फिर उस पर रहम किया जाएगा? क्या लग रहा है किस तरह की कार्रवाई मांग कर रही है आम आदमी पार्टी? मांग ये है कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होने हो संविधान में और कानून के धाराओं में हो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए और ताकि समाज में एक संदेश चला जाए कि कोई भी व्यक्ति आगे चल के इस प्रकार का कृत्य करने के लिए सपने में भी न सोचे। भाजपा इनकार कर रही है अपने पार्टी सदस्य होने के नाते। देखिए भारतीय जनता पार्टी के वो किसी मंडल के उपाध्यक्ष हैं, ऑलरेडी उसमें एक वायरल हुआ है, पत्र वायरल हुआ है जिसमें वो पदाधिकारी हैं। साथ ही वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के साथ, विधायक जी के साथ, विभिन्न पदाधिकारियों के साथ उनकी तस्वीरें, होर्डिंग्स समय समय पर वायरल होती रही हैं जिसके प्रमाण हम लोग पास उपलब्ध है। बीजेपी कई कार्यकर्ता ऐसे घनौनी हरकत क्यों करते, क्या वजह है? देखिए सत्ता के मध्य में भारतीय जनता पार्टी चूर है और उन्हें कोई भी व्यक्ति कोई भी मानो नहीं लगते, उन्हें कीड़े मकोड़े लगते हैं। इस वजह से सत्ता के मध्य में ऐसे कृत्य किया जा रहा है। जेसीबी उनके घर पहुंच चुका, क्या लग रहा है आपको, घर गिरेगा कि सिर्फ दिखावटी है? अब देखिए वो सामने आएगा, जेसीबी लौटती है कि घर गिरा के आती है, ये सबके सामने आएगा।